हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे आज मैं डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में एंड विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस बता देती हूँ जिनके लिए आपको कोई भी ट्रिक जानने की या कोई भी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं टाइप्स डिस्कस करूँगी वैसे वैसे उनकी जनरलाइज फॉर्मूले आपको बताती जाऊँगी। तो सपोज़ आज मंडे है तो 61 डेज़ के बाद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है आपका, आपके एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज़। हर 7 दिन बाद जो है सेम डे रिपीट होता है। तो आपका इस तरह के क्वेश्चंस में आप जितने नंबर ऑफ़ डेज दे रखे हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो उस जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 7 से, तो यानी कि वही दिन वापस आ गया जो दिन था। लेकिन अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो 61 डेज़ के बाद बताना है, तो 61 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 8 5/7, यानी कि रिमाइंडर जो आपका आएगा वो आ गया 5। तो यानी कि जो है 8 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और उसके अलावा 5 दिन और बचे हैं। तो जो हफ्ते पूरे हो चुके हैं उनका हमें कोई मतलब नहीं है, तो 5 दिन की इम्पॉर्टेंस है। तो यानी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो कन्फ्यूजन होता है कि काउंटिंग कैसे करें, तो मैं आपको अच्छे से आज बता देती हूँ। गांठ बांध लीजिए इस बात को, अगर 5 आया है आंसर तो यानी कि मंडे जिस दिन को दे रखा है उससे 5th डे, यानी कि 1 2 3 4 5, जो 5th डे है मंडे को छोड़ के, जिस दिन का पूछा गया उस दिन को छोड़ के जो 5th डे है आपका, वो आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर है सैटरडे। तो हर क्वेश्चन में गांठ बांध लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसका TH डे होगा लीविंग द डे जो दे रखा है। यानी अगर आज मंडे है तो मंडे को छोड़ दीजिए, लीव मंडे एंड देन काउंट 5, द 5th डे विल बी योर आंसर। तो अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रही आपको कि कैसे काउंट करना है, मंडे को काउंट करना है या नहीं करना है, 5 दिन बाद तो संडे होगा, इस तरह की सारी एम्बिग्विटी छोड़ दीजिए। जो दिन दे रखा है लीव दैट डे असाइड और उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उस वो वाला दिन जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद ये जो है कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करना है। समझा मैं सकती हूँ आपको, फॉर्मूले से निकाल के भी दिखा सकती हूँ, बट कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टैटिक है, इनको याद कर लीजिए। किसी भी सेंचुरी का, सेंचुरी का क्या मतलब होता है, 100, तो सौ सालों का लास्ट डे जो है वो क्या नहीं हो सकता? तो वो ट्यूसडे नहीं हो सकता, तो इसके अलावा थर्सडे भी नहीं हो सकता और सैटरडे भी नहीं हो सकता। तो ये याद कर लीजिए कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे जो है साल का वो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं, दो तरह के साल होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर हर 4 साल में आता है आपका। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। इसी 365 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि 52 वीक्स आ जाएंगे और एक दिन आ जाएगा, यानी कि हर साल एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा होता है, राइट? इसके अलावा नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो डे होता है 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है, यानी कि साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा फॉर नॉर्मल ईयर। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉर्मल ईयर की, वो ये है कि क्योंकि ये एक दिन एक्स्ट्रा है, 52 वीक्स पूरे हो गए तो यानी कि डे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये एक दिन एक्स्ट्रा है तो इसलिए हर फॉलोइंग ईयर जो होता है उसमें सेम डेट को अगला दिन पड़ता है। क्या मतलब है कि सपोज़ 1 जनवरी 2013 को आपका संडे था तो 1 जनवरी 2014 को मंडे होगा, यानी कि एक डे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन डे। उसके बाद इसी तरीके से 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे हो जाएगा, इससे एक दिन बढ़ जाएगा और इससे कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 डेज़। तो जितने साल आगे जाते जाएंगे एक एक दिन जो है आगे जाता जाएगा।
तो ये कब तक लेकिन ट्रू है, जब तक कि कोई लीप ईयर नहीं आ जाता बीच में। तो जिन भी सालों के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आता है उसमें आपकी ये ट्रिक लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यू अगर आपको सेम डेट पे किसी भी साल का डे पूछा गया है तो आप जितने साल वो दूर है उसमें एक एक दिन जो है ऐड करते जाएंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उस साल तक पहुंचने में बीच में आपका लीप ईयर ना आया हो। अभी मैं लीप ईयर को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी तब आपको बताऊंगी कि अगर लीप ईयर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लीप ईयर की बात कर लेते हैं। तो लीप ईयर में आपके होते हैं 366 डेज, यानी कि 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब ये जो 2 डेज है ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एक दिन फालतू हो गया। ये जो एक दिन फालतू है ये कौन सा दिन है, ये है 29th फेब, राइट। 29th फेब के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा दिन जो है वो ऐड नहीं होता है साल में। तो ये इस बात को क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 एक्स्ट्रा डे है देन दी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक तो नॉर्मल में भी होता है और एक फालतू होता है लीप ईयर में, तो वो है 29th फेब। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी कैसे क्यों ज़रूरी है ये याद रखना वो मैं अभी बताऊँगी। उसके बाद जो है इस केस में पहला दिन जो होता है अगर वो मंडे है, तो क्योंकि उसके बाद एक दिन फालतू आ गया 29 फरवरी का, तो इसलिए 31 दिसंबर को मंडे की जगह ट्यूसडे होगा। तो नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन सेम डे होता है, लेकिन लीप ईयर में पहला दिन जो होता है वो अगर मंडे है तो लास्ट दिन जो है वो उससे अगला दिन होगा, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। लीप ईयर निकालते कैसे हैं, तो देखिए लीप ईयर जो है आपने सबने सुना होगा कि अगर वो साल जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1004, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये आपका लीप ईयर हो गया। ये इसलिए नहीं है लीप ईयर क्योंकि ये फॉर्मूला जो है लीप ईयर का वो सिर्फ और सिर्फ उन पे लागू होता है जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो होती हैं वो 00 ना हो। जिसकी भी लास्ट 2 डिजिट 00 हो जाती हैं उसमें ये हमें ये फॉर्मूला जो है मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स नॉन जीरो हैं तो उस केस में तो आपका जो है लीप ईयर इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हैं और वो ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो जिस भी नंबर का जो है, फॉर एग्जाम्पल 4000 है तो लास्ट में 00 है, तो आप 4 से नहीं 400 से चेक करेंगे कि अगर ये 400 से डिविजिबल है तो ही ये लीप ईयर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिनके भी लास्ट में 2 जीरो आती हैं उसमें जो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको 400 से डिवाइड करके देखना है ऐसे सालों को। और एक और बात बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स साल आ जाता है तो उसको 4 से डिवाइड करने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए, सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि 1004 है तो आपको पूरे नंबर को नहीं चेक करना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए, 04 है। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए ताकि आपको आसानी से चेक करना आ जाए कि लीप ईयर है या नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी मैं आऊँगी लीप ईयर के वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उन पे। उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा साल जो है उसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 2007 की तरह, या किसी भी साल के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए कैलेंडर कब रिपीट करता है, जब आपके ऑड डेज जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, यानी कि जो एक एक दिन हर साल में ऐड हो रहा है या फिर लीप ईयर में 2 दिन ऐड हो रहे हैं, जब इनका सम जो है 7 हो जाता है, यानी कि 7 डेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं जब सालों में, तो दोबारा से साल का कैलेंडर जो है वो रिपीट हो जाता है। तो जैसे ही ये 7 डेज पूरे हो जाते हैं आपका कैलेंडर रिपीट होता है। तो देख लेते हैं कि 7 डेज कब पूरे हो रहे हैं। तो देखिए 2000 इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2007 को भी काउंट करना है। तो 2007 इज़ नॉट अ लीप ईयर, इट इज़ अ नॉर्मल ईयर। तो कितना दिन फालतू होगा, 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, उनका हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें फालतू दिन काउंट करने हैं। तो 2007 में कितने फालतू दिन होंगे, एक।
उसके बाद 08 जो है आपका लीप ईयर हो जाएगा, तो उसमें 2 दिन फालतू हो जाएंगे, 09 में फिर से एक, 10 में फिर से एक, 11 में एक, 12 आपका फिर से लीप ईयर हो जाएगा, तो 2 साल। तो आप देखेंगे कि कितने दिन हो गए, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 के बाद जो है आपके सीधे 8 दिन आ गया, तो यानी कि आपके 7 डेज जो हैं वो पूरे हो ही नहीं पाए किसी भी साल के बाद। तो उसके बाद हम 13 पे जाएंगे, तो 13 में फिर से 1 दिन फालतू होगा, 14 में जो है आपका फिर से 1 दिन फालतू होगा, 15 में फिर से आपका 1 दिन फालतू होगा, 16 में 2 दिन, तो काउंट कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 17 में 14, तो आपके 14 दिन हो गए आफ्टर 2017। तो यानी कि 2018 का जो कैलेंडर होगा वो दोबारा से सेम हो जाएगा 2007 की तरह, क्योंकि 14 दिन जो है फालतू हो चुके हैं, एंड 14 डेज मीन्स 2 कंप्लीट वीक्स। तो जैसे ही 2 वीक कंप्लीट हो गए, यानी कि अब कोई एक्स्ट्रा डे आपका नहीं बचा है, तो आपका वही दिन वापस आ गया 1 जनवरी को, जो 2007 की 1 जनवरी को था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप इस तरीके से करेंगे, जो साल दे रखा है उसको भी इंक्लूड करेंगे, देखेंगे वो लीप ईयर है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग कितने दिन एक्स्ट्रा हैं उसमें वो देखेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से एडिशन करेंगे और 7 के मल्टीपल्स को देखेंगे, जैसे ही कोई साल आपको कंप्लीट 7 का मल्टीपल दे देता है, उससे नेक्स्ट ईयर जो होगा उसका कैलेंडर इस कैलेंडर से सेम होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो इसका आंसर है 2018। तो आप देख लीजिए 2014 जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि 2014 से पहले कितने कितने डेज कंप्लीट हुए हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 डेज हो चुके हैं, यानी कि 7 डेज, 1 वीक खत्म हो चुका है और 2 दिन और ऊपर हो चुके हैं, तो 2 डेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो जाहिर है सेम डे नहीं आएगा, तो इसलिए कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब ज़रा मैं आपको समझाती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं उनमें लीप ईयर का कैसे ध्यान रखना है। तो मैंने आपको फिर बताया था, दोबारा याद दिला रही हूँ, लीप ईयर में जो एक एक्स्ट्रा डे आता है वो आता है 29 फेब की वजह से, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इफ़ 6th मार्च 2005 इज़ मंडे, तो 6th मार्च 2005 इज़ मंडे, वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 6th मार्च 2004? तो सेम डे पे 2004 में क्या दिन होगा? तो जब हम सालों में आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन आगे जाते हैं, और जब पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली 1 दिन पीछे जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आप 2005 से 2004 में जा रहे हैं, तो ये सेम है एज 2004 से 2005 में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 6 मार्च से 6 मार्च 2005, अब आप कहेंगे कि 2004 तो मेरा लीप ईयर है, तो इसका मतलब है कि मुझे 1 दिन नहीं 2 दिन आगे बढ़ना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि ये 29 फरवरी क्यों ज़रूरी है। लीप ईयर में जो आपका 2004 का लीप ईयर है, उसमें जो एक्स्ट्रा दिन है नॉर्मल ईयर के मुकाबले, वो है 29th फेब 2004। जब आप 6th मार्च से 6th मार्च 2005 में जा रहे हैं, तो 29 फरवरी 2004 बीच में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ये दिन बीच में नहीं आ रहा है, तो इस लीप ईयर का इस बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का फर्क पड़ेगा, तो यानी मंडे से पहले आता है संडे, तो यानी 6th मार्च 2004 को संडे ही होगा, सैटरडे नहीं होगा, क्योंकि जो लीप ईयर है 2004 का, उसमें एक्स्ट्रा दिन जो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ईयर वो है 29 फरवरी 2004, जो कि 6 मार्च से
पहले आ चुका है, 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2005 के बीच में, 29 फरवरी 2004 नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन आप ऐड नहीं करेंगे। तो आपका आंसर जो है वो है संडे। तो अब मैं अगला क्वेश्चन बता देती हूँ जिसमें लीप ईयर आप ऐड करेंगे। तो 8 फेब 2005, तो 8 फेब 2005 को था ट्यूसडे। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 8 फेब 2004? तो अगेन 8 फरवरी 2004 से 8 फरवरी 2005 तक जाने में, क्योंकि 2004 लीप ईयर है, तो 29th फेब का जो दिन है वो इस टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा दिन ऐड होगा। यानी कि ट्यूसडे से सिर्फ एक दिन पीछे नहीं जाएंगे, अब 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डे भी इसमें आ रहा है। तो ट्यूसडे से 2 दिन पीछे अगर मैं जाऊँ तो मंडे एंड संडे, तो आंसर आपका फिर से संडे आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया कि लीप ईयर कंसिडर किस तरीके से करना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद इट वॉज संडे ऑन January 1, 2006, तो 1 जनवरी को 2006 को संडे था। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन January 1, 2010? तो 1 जनवरी 2010 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो कितने साल आगे बढ़ गए आप जो है 4 साल आगे बढ़ गए हैं, तो 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे अगर नॉर्मल ईयर हो सारे, अगर बीच में कोई लीप ईयर ना आ रहा हो, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो 2007 इज़ नॉट अ लीप ईयर, बट 2008 इज़ अ लीप ईयर, तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएगा। तो 4 दिन तो नॉर्मल ईयर्स के ऐड होंगे ही होंगे, उसके अलावा 1 दिन 2008 का और ऐड होगा, फिर 2009 आ जाएगा, फिर 2010 आ जाएगा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो 4 + 1 = 5 days, तो 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो संडे के बाद 5th डे जो होगा वो आपका दिन आएगा 2010 का। तो कैसे किया हमने, 10 में से 6 को माइनस कर दिया, तो आ गए 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकाल लिए, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज तो 4 तो होंगे ही होंगे इफ़ दे आर नॉर्मल ईयर्स। हमने चेक कर लिया कि इस बीच में एक लीप ईयर भी आ रहा है 2008 का, तो उसका 1 दिन और फालतू आ गया, तो 5 दिन हो गए। तो 5 दिन का मतलब है संडे के बाद 5th डे। तो संडे के बाद 5th डे आपका कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका दिन पड़ेगा फ्राइडे। उसके बाद आ जाते हैं ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैंने शुरू में इस वर्ड का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑड डेज एक्चुअली क्या होते हैं, ऑड डेज वो डेज होते हैं जो 7 के मल्टीपल ना हो, तो उन दिनों को जो है ऑड डेज कहते हैं। यानी कि आपका ऑड डे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो दिन बच जाते हैं, एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं, उन्हें ऑड डेज कहा जाता है। लेकिन अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें ऑड डेज के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें ऑड डेज के कॉन्सेप्ट की रेलिवेंस है, तो इसलिए अब मैंने ऑड डेज आपके इंक्लूड किए हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बात, हर 100 साल में जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास 5 ऑड डेज बचते हैं, तो इस बात को याद करना है। ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, ये 3 चीज़ें, इनको आपको याद करना है। 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स यू गेट 5 ऑड डेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 400 ईयर्स यू विल गेट 0 ऑड डेज। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि 400 साल में, 400 साल ख़त्म होने के बाद आपके 0 ऑड डेज बचते हैं, 100 साल ख़त्म होने के बाद 5 ऑड डेज बचते हैं, और जितने भी साल 400 से डिवाइड होते हैं उन सब के ख़त्म होने के बाद 0 ऑड डेज बचते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, 100 साल ख़त्म होने के बाद 5 ऑड डेज बचते हैं, और 400 या 400 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके ख़त्म होने के बाद 0 ऑड डेज बचते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बताती हूँ, क्या इम्पोर्टेंस है। फिर जब ऑड डेज आपके पास आ गए, तो अगर नंबर ऑफ ऑड डेज बचे 0,
मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले क्वेश्चंस में लगाइएगा। इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं उन टाइप्स में ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ऑड डेज आपके आ गए ज़ीरो, ओके, तो दिन होगा संडे। अगर ऑड डेज आ गए वन तो दिन होगा मंडे। अगर ऑड डेज आए टू तो दिन होगा ट्यूसडे। अगर ऑड डेज आए थ्री तो वेंसडे, एंड सो ऑन सिक्स फॉर सैटरडे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले क्वेश्चन के लिए है। पीछे जब आपको एक ही डेट या सिमिलर डेट्स में आगे पीछे के दिन बताने हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। तो अब जो है ऑड डेज बताइए, 126 ईयर्स में कितने होंगे, तो 126 साल में जो है ऑड डेज कितने होंगे। तो हमें 100 का पता है कि 100 में हमारे ऑड डेज जो हैं वो 5 हैं। उसके बाद कितने दिन कितने साल बच गए, 26 साल। तो अब हमें 26 ईयर्स के ऑड डेज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 26 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, क्योंकि लीप ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, 2, और नॉर्मल ईयर्स में कितने होते हैं, 1, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो 26 ईयर्स में कैसे निकालें कि कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल तो पूरे कर दिए हमने यहाँ पे। अब हमें 101 से लेके 126 तक की बात करनी है। तो जाहिर है 101 में सबसे पहला जो लीप ईयर आएगा वो 104 आएगा। उसके बाद जो है हर चार चार साल बाद लीप ईयर जो हैं आपके रिपीट होंगे। तो हमें ये देखना है कि 4 की टेबल में 26 से कम कब तक आता है। तो 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 तो ये जो 6 है आपका वो आपके आ गए नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो 101 से 126 के बीच में जो हैं आपके 6 लीप ईयर आएंगे, और उस 6 लीप ईयर आएंगे तो 26 ईयर में आपके जो हैं 6 लीप ईयर्स आएंगे। तो हमें वो फैक्टर ढूंढना है जो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी उससे कम हो। तो उस हमें वो फैक्टर ढूंढना है जो 4 से जब मल्टीप्लाई हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, जो इस केस में 26 थी, उससे कम आए आपकी वैल्यू। तो वो आंसर जो है वो आपका होगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स। और जैसे ही आपको 6 लीप ईयर बच गए तो ऑब्वियसली इसे अब आप 26 में से माइनस कर देंगे तो आपके 20 जो हैं वो नॉर्मल ईयर्स आ जाएंगे। तो 6 लीप ईयर कितने डेज देगा, ऑड डेज, 2 ऑड डे 1 देता है, तो 6 दूनी 12, और 20 नॉर्मल ईयर जो हैं 20 नॉर्मल ऑड डेज देंगे, तो 12 ऑड डेज यहाँ से आ गए, 20 यहाँ से आ गए, 5 यहाँ से आ गए, तो टोटल ऑड डेज हो गए 12 प्लस 20 प्लस 5 जो कि आपको हो गए 37। इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 5 2 बाय 7, तो यानी कि 2 रिमाइंडर बचा, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो 2 ऑड डेज आ गए आपके, तो आंसर है 2। तो इस तरीके से ऑड डेज निकाले जाते हैं। अब इसका आंसर और क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ दी मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो पेपर में दिया जाता है, बट देखिए रीजनिंग में जो है कुछ क्वेश्चन सेकेंड्स में हो जाते हैं और कुछ 1 मिनट ले लेते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप ट्रिक ढूंढने की कोशिश करें ताकि ये क्वेश्चन जिसे 1 मिनट लेनी ही लेनी है वो आप सेकेंड्स में कर सकें। ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग बैलेंस्ड होती है। तो ये अगर एक आधा क्वेश्चन 1 मिनट ले भी लेता है तो कोई बात नहीं, और बहुत से क्वेश्चन होंगे जो फ्यू सेकेंड्स में हो जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज देयर इज़ वन ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि कई वीडियोस में भी अवेलेबल है और कई साइट्स पे भी अवेलेबल है, और शायद टीचर्स भी बताती होंगी, बट दैट ट्रिक इज नॉट 100% एक्यूरेट। दैट वर्क्स फॉर सम पर्टिकुलर ईयर्स बट इट डज नॉट वर्क फॉर ऑल द ईयर्स। तो बी केयरफुल, अगर आप वो ट्रिक आजमाएंगे तो टाइम तो शायद आप 10 सेकेंड बचा पाएंगे, बस जितना टाइम जो अब मैं बताने वाली हूँ मेथड उसमें लगेगा उससे शायद 10 सेकंड पहले आपका क्वेश्चन हो जाए उस ट्रिक से, क्योंकि वो ट्रिक भी काफ़ी लेंदी है। लेकिन आंसर एक्यूरेट आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, बिकॉज दैट ट्रिक इज़ नॉट फुल प्रूफ।
मैंने खुद चेक किया है उसको कई सालों के लिए, वो जवाब जो है गलत देती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छा ये है कि आप सही आंसर निकालें, 10 सेकंड फालतू ले लें, कोई बात नहीं। तो आप बताएं कि 14 दिसंबर 1995 को क्या दिन था? तो आपको कंपैरिजन के लिए कोई भी दिन नहीं दे रखा है, आपको सीधे बताना है कि 14 दिसंबर 1995 को क्या दिन था। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। तो आपको क्या करना है, आपको 0 ईयर से शुरुआत करनी है और 1995 तक जाना है। तो 14, लेकिन 1995 आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपको 1994 तक तो आपके पूरे साल हैं, और उसके बाद जनवरी से लेके 14 दिसंबर तक आपका अलग है। तो उसके बाद 1994 को आप कोशिश कीजिए कि इससे जो क्लोजेस्ट 400 का मल्टीपल है वो निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि 400 के मल्टीपल साल जो होते हैं उनके नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो 0 होते हैं, ये हमें पता है। तो सबसे नज़दीक है 1600, तो 1600 निकाल लीजिए, तो कितना बच गया, 394 बच गया। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1600 के तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 0। अब हमें निकालने हैं 394 के ऑड डेज, तो 394 के ऑड डेज को मैं लिख सकती हूँ 300 प्लस 94। तो 300 के जो ऑड डेज हैं उनको याद कर लीजिए, 300 के ऑड डेज होते हैं 1। तो 300 ईयर्स के कंप्लीशन पे ऑड डेज होते हैं 1। तो कैसे निकाला कि 300 ईयर्स पे ऑड डे 1 आएगा? हमें पता है कि 100 ईयर्स पे ऑड डे कितने हैं, 5। तो और 100 ईयर्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ऑड डे भी 5 ऐड हो जाएंगे, फिर से 100 ऐड कर दूं तो ऑड डे भी 5 हो जाएंगे। तो 3 बार 100 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 300, और इधर मेरे पास आ गया 15। अब 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 14 दिन, 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, और 1 दिन जो है वो फालतू बचता है, तो 1 ऑड डे आ गया। तो 300 ईयर्स का 1 डे आ गया, 1 ऑड डे आ गया। तो इस तरीके से कितने भी जो 100 के मल्टीपल्स हैं उसके आप ऑड डेज निकाल सकते हैं, जितने जितना मल्टीपल है वो 100 का, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ऑड डे निकाल लीजिए। तो 300 ईयर्स का जो है ऑड डे आ गया 1। अब हमारा बच गया 94 ईयर्स। तो 94 ईयर्स के लिए दोबारा से मुझे वही प्रोसेस करना है, मुझे पहले लीप ईयर पता करने हैं कि कितने लीप ईयर आएंगे 94 ईयर्स में। तो अगेन 300 कंप्लीट हो चुका है, तो 301 से 394 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? तो हाईएस्ट नंबर है 94, तो आप देख लीजिए कि 4 की टेबल में किसके मल्टीपल से जो है 94 से कम रहता है। तो 10 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 40, फिर से 10 करूँगी मैं, 4 × अगर 20 करती हूँ मैं तो मेरे पास आता है 80, जो कि 94 से कम है। इसी तरीके से अगर मैं 4 को 22 से करती हूँ तो 88 आता है, अगर मैं 23 से करती हूँ तो 92 आता है। तो यानी कि 23 लीप ईयर्स होंगे इस दौरान, ठीक है? तो 23 लीप ईयर्स होंगे, और अगर मैं उसको माइनस कर दूं 94 में से 23 को, तो मेरे पास आ जाते हैं 71 नॉर्मल ईयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं आप कितने लीप ईयर होंगे? आप 4 का वो फैक्टर निकालेंगे जो मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट वैल्यू दे लेकिन इस वैल्यू से कम हो, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद 23 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे, 23 × 2, और 71 नॉर्मल ईयर्स में कितने ऑड डे आएंगे, 71। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए आपके, 0 जो यहाँ से आया, 1 जो यहाँ से आया, प्लस 23 × 2 करेंगे तो 46 प्लस 71। तो ये आपके नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए कहाँ तक, 1994 तक। तो मेरे पास फाइनली ये आ गया, और इसके अलावा जो मेरे पास बचा है वो बचा है 1 जनवरी से 14 दिसंबर
तक के दिन, उनको अभी इसमें से ऑड डे हमें निकालना है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 71 डेज का तो है 70 और एक फालतू है, तो यानी 1 तो यहाँ से आया, 46 यहाँ से आया, इसको मैं सिंपलीफाई कर सकती हूँ, 71 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे होगा, तो 46, 47, 48, तो 48 ऑड डेज आ गए मेरे, इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर बचता है 6, तो यानी कि मेरे 6 ऑड डेज जो हैं फाइनली यहाँ से आ गए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, 1 जनवरी से 14 दिसंबर के ऑड डेज निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ़ डेज़ का पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन है 1 जनवरी से 14 दिसंबर तक के, तो 14 दिसंबर के तो 14 दिन हो ही गए आपके, इस ऐसे केसेस में 1 जनवरी को भी इंक्लूड करना है, 14 दिसंबर को भी इंक्लूड करना है, तो 14 दिसंबर तक, 14 दिन तो दिसंबर के हो गए, जनवरी से नवंबर तक कितने 31 के महीने होते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप अपनी फिस्ट के ऊपर काउंट कर सकते हैं, आई थिंक सबको पता होता है ये मेथड, जितने आपके ऊपर के जितने ग्रूव्स होते हैं उनमें 30 डेज होते हैं और जो ऊपर उठे हुआ हिस्सा होता है उसमें 31 डेज होते हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे 1 जनवरी से नवंबर तक तो आपके पास कितने महीने आएंगे 31 के, आपके पास जो है 6 महीने आएंगे, तो 31 इंटू 6 मंथ्स प्लस एक महीना आएगा आपका 28 का फरवरी का, क्योंकि ये 1995 है तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फेब के आपके आ गए 28 दिन, और कितने महीने 30 के आएंगे आपके, 30 के महीने आपके आएंगे 4 और प्लस 14 दिन दिसंबर के, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज हैं वो आ गए 348, तो अब इसको आप 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 5, तो ये आपके आ गए ऑड डेज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पीरियड, तो 5 + 6 = 11 और 11 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो यानी कि 4 ऑड डेज आ गए, और अभी जो मैंने पीछे टेबल दिखाई थी 4 का क्या मतलब था, 0 संडे था, 1 वॉज मंडे, 2 वॉज ट्यूजडे एंड 3 वॉज वेंसडे एंड 4 वॉज थर्सडे, तो 4 ऑड डेज आए हैं तो आपका आंसर होगा थर्सडे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपका 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह के ट्रिक्स के अलावा और कुछ भी कैलेंडर में से नहीं पूछा जाता है, अगर आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छे से आ गई हैं तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमने जो है आने सारे ही एग्ज़ाम्स की, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में मत बार बार पूछिए, बहुत मुश्किल हो जाता है कि कमेंट का जवाब देना, कि लिंक दे दीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन में जीके की प्लेलिस्ट, रीजनिंग की प्लेलिस्ट और मैथ्स की प्लेलिस्ट और इंग्लिश की प्लेलिस्ट सब अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले लीजिए और सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।